अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू ज़हरा डेली व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं बनाने लगी हूँ बोनलेस चिकन विद फ्रोज़न मटर पुलाव। मतलब ये सिंपल और देसी और मतलब समझ लें कि चाइनीज़ का मिक्सचर ही बनेगा, मगर फ्लेवर इसका देसी आएगा प्रॉपर, यानी कि देसी स्टाइल में ही बनाऊँगी। जूलियन कट में मेरे पास चिकन है, फ्रोज़न मटर का सिर्फ इतना ही बाउल है मेरे पास। लहसुन के 2 चम्मच, खाने वाले अदरक के 2 चम्मच, 1 दरमियाने साइज का प्याज, 2 टमाटर और घर के जो हमारे बेसिक मसाले होते हैं सारे वो गर्म मसाले हैं, इमली और आलू बुखारे 3, इमली का सिर्फ 1 चम्मच है और 3 टीस्पून इसमें है नमक के। 2 ग्लास साबुन के लिए मैंने सारी चीज़ें रेडी की हैं। ऑयल मेरा गर्म हो चुका है, अब करते हैं हम इसको स्टार्ट बनाना। ऑयल मेरा हो चुका है गर्म, सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज जो कि लंबे लंबे हैं, आप अपनी मर्ज़ी से जैसे आपको काटे हुए मिल जाए। अगर आपके पास ब्राउन किए हुए पड़े हैं, मेरे पास ब्राउन हुए भी हैं बट मैंने काट के रखना प्रेफरेबल ज़्यादा समझा, ये मेरे पास ब्राउन किए हुए पहले के हैं, मतलब मैं इतने रखती होती हूँ बाहर, बाकी तो ये कंटेनर में पड़े होते हैं। ये मेरी प्रीवियस वीडियो में इसकी है लिंक, डिस्क्रिप्शन में होगा या वीडियो अपलोडेड है, उसमें आप देख सकते हैं कि लॉन्ग टाइम के लिए प्याज को अपने अगर स्टोर करना हो तो किस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, प्याज को मतलब हमें बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, पुलाव को डार्क कलर नहीं देना, मतलब यानी कि जिसमें कहते हैं ना वाइट पुलाव राइस टाइप वो लुक इसकी आएगी, बहुत ज़्यादा हमें डार्क शेड नहीं देनी है प्याज़ों को। तो इसको स्लो फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम पे आप अपनी मतलब मर्जी से इसको फ्राई कर सकते हैं ना। प्याज़ों को जब इस तरह कलर आना शुरू हो जाए तो इसकी फ्लेम हम स्लो करेंगे चूल्हे की और इसको चम्मच को हिलाएंगे ताकि ये हमारे डार्क ना हो जाएँ इस पॉइंट पे। अच्छा, बहुत सारे लोग साथ में लहसुन डाल के इसको भूनना शुरू कर देते हैं, लहसुन को कैरमलाइज करते होते हैं, मतलब डार्क शेड नहीं देते जैसे कि नॉर्मल अक्सर लोग दे लेते हैं, डार्क कलर का कर लेते हैं, उससे ना उसका जला हुआ फ्लेवर आता है। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें सबसे पहले मैं ऐड करूँगी ये गर्म मसाले, साबुत गर्म मसाले हैं, मतलब इनको मैं समझ ड्राई रोस्ट करूँगी 2 से 3 मिनट के लिए इसी फ्लेम पर, और साथ ही मैं ऐड करूँगी इसके अंदर ये बड़े बड़े कटे हुए टमाटर। इस पॉइंट पे आकर ना मैंने इसमें शामिल करना है ये लहसुन का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया मैंने अच्छे तरीके से। अच्छा, जो अदरक का पेस्ट है ना वो पानी डालने से के बाद हम शामिल करेंगे, इसको पहले नहीं डालने की कड़वाहट आने लग जाती है हर बाइट में ना, तो इसको स्लो फ्लेम पे हम ना 2 से 3 सेकंड के लिए कुक करेंगे अच्छे तरीके से। टमाटरों ने अपना पानी छोड़ दिया, अगर आपको लगे ना कि आपके प्याज ज़्यादा ब्राउन हो रहे हैं तो आप 2 से 3 कतरे पानी के ऐसे शामिल कर सकते हैं, गर्म पानी हो तो ज़्यादा बेहतर है। फ्लेम इसके नीचे आप फुल रखेंगे। अब इस पॉइंट पे हम इसके अंदर शामिल करेंगे 3 टेबलस्पून हमारा जो नमक है, अच्छा नमक अभी शामिल कर दिया मैंने, इसमें साबुत डाली है काली मिर्चें, कई लोग ना पानी में डालते हैं मगर काली मिर्च को अगर पकाएं ना तो उसका फ्लेवर ज़्यादा मज़ेदार आता है, तो इस तरह मैंने इसके अंदर साबुत मिर्च किसी भी काली मिर्च की 1/2 टीस्पून डाली है। इसको मैं अब करूँगी कवर 2 से 3 मिनट के लिए, कवर करके ये थोड़ा सा ढीलापन तैयार कर जाएंगे तो मैं इसके अंदर बाकी चीज़ें डालना शामिल करूँगी। 2 से 3 मिनट हो गए, 2 से 3 मिनट हो गए इसको, अब मैं इसको खोलूँगी, मतलब ये मसाले मेरे अब जितने मुझे रिक्वायर्ड थे ना उतने गल चुके हैं। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी स्टेज के ऊपर चिकन, मटरों को मैं एक दफ़ा धो लूँगी थोड़ा सा ताकि इसका जो फ्रोज़न वाला पानी है वो ख़त्म हो जाए। ये फ्रोज़न नहीं है, मतलब ये खुद निकाल के फ्रीज किए हुए, उसकी लेफ्ट ओवर बची हुई है जिसका आज पुलाव पकने लगा, तो बाकी हड्डी के गोश्त की जगह हम इसमें ये बोनलेस मैंने शामिल कर लिया। अब इस पॉइंट पर मैं इसमें शामिल करूँगी ये मटर, इनको मैंने बॉयल नहीं किया बस इसको सिंपल ऐसे में हमने कुक कर लेना है अच्छे तरीके से, इसको 2 से 3 मिनट मैंने सब्जियों को भूनना है। इस पॉइंट पे जो हमने ये इतनी सी इमली है ना 1 चम्मच है, इसका पानी इसके अंदर ऐड करना है गोश्त के अंदर बना के। ये आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने इसको इमली को ऐसे मैश कर लिया, इसको मैं अब ऐड करूँगी। फ्लेम इसकी हम अपनी राज के मुताबिक रख लेंगे जितने, यानी कि आप कर सकते हैं तेज या नॉर्मल ना, इसको इतनी फ्लेम पर हमने भूनना है अच्छे तरीके से। इसमें अब पानी ऐड करेंगे
इसको मैंने अच्छे तरीके से भून लिया फुल। अब मैं इसके अंदर इतना पानी हमें चाहिए चावलों के हिसाब से वो शामिल करूँगी। दो गिलास मेरे चावलों के हैं तो उसमें चार गिलास मैं शामिल करूँगी पानी के। पानी मैं थोड़ा सा गर्म लूँगी, ये देखते हैं आपके सामने। हाफ गिलास मैं और ऐड करूँगी क्योंकि चावलों को भी हो रही होगी। अब मैं इसके अंदर ये अदरक लहसुन का पेस्ट, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट और 3 अदद आलू बुखारे वो शामिल करके इसको ढाँप दूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से कुक हो जाए और गल भी जाए। बाकी का गोश्त फिर चावल शामिल कर देंगे हम इसके अंदर। अब पानी को बॉयल आ चुका है, इसमें मैं शामिल करूँगी चावल अपने। 2 गिलास चावल हैं, इनको मैंने आधा घंटा भी भिगोया हुआ है। पानी आप अपने ना चावलों के अंदाजे से शामिल करेंगे, कुछ चावल कम पानी लेते हैं कुछ चावल ज़्यादा पानी लेते हैं। चावल शामिल करके अच्छे तरीके से इसको नॉर्मल फ्लेम पे हम चावलों में इतना पानी रह जाए तब उसको हम लगाएंगे दम। थोड़ा सा मैं ज़रदा रंग ऐड है मतलब ब्यूटी के लिए इसमें ऐड करने के लिए, कुछ ज़रूरी नहीं कंपल्सरी नहीं है। और साथ में मिर्ची और टमाटर एक इस तरीके से आप गार्निशिंग करें टमाटर और हरी मिर्च की। और मैं अब इसको शिफ्ट करूँगी तवे के ऊपर, तवे के ऊपर मैं इसको लगाऊंगी 15 मिनट का दम, पहले 5 मिनट तेज़ और फिर 10 मिनट स्लो ना। ऐसे इसको मैंने लोहे के तवे पे दम दिया, फ्लेम मैंने बिल्कुल मीडियम रखी हुई है। पहले 10 मिनट मैंने मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना है और फिर 5 मिनट के लिए इसको स्लो फ्लेम पे पकाना ताकि चावल हमारे बिल्कुल पक जाए ना, गल जाए अच्छे तरीके से। दम लगे हुए इसे तकरीबन 25 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसका खोलने लगी हूँ दम आपके सामने, पहले एजेस से चेक करेंगे। अगर इसके अंदर पानी खड़ा हुआ तो हम इसको दोबारा मैं ढाँप दूँगी ताकि इसका पानी अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए। पानी की थोड़ी सी किसी शिकायत है वो हम इसको कवर करेंगे और पकाएंगे और 5 से 6 मिनट के लिए। तो अब दम हमारा हो चुका है कंप्लीट, ये देखें इसका बिल्कुल पानी ड्राई हो गया है। मैं आपके सामने ही इसको हिलाऊँगी और फ्लेम में करूँगी बंद। चावल एक एक खिला हुआ है, नरम मैं ज़रा पकाती हूँ क्योंकि मेरा बेटा छोटा है तो उसको ज़रा खाने में और हज़म करने में ज़रा आसानी होती है ना। तो मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ इसकी मेन लुक फाइनल। ये इसकी फाइनल लुक है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल सॉफ्ट वाले। ये देखिए मैं आपके सामने इसको तोड़ के दिखाती हूँ, सॉफ्ट वाले पुलाव मेरा रेडी है। और बच्चे खाएं चाहे बड़े खाएं, इसमें स्पाइसेस बिल्कुल नॉर्मल से हैं। साथ में मैंने पुदीने का रायता बनाया है। जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं वो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। अल्लाह।